शुरू करते हैं संस्कृत सुबोध कार्य पुस्तिका का पाठ 3 वाक्य बोध है। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है उदाहरणानुसार चित्रम दशवा लिखत, उदाहरण के अनुसार चित्र को देखकर लिखिए। इसमें पहला चित्र दिया गया है, इसमें एक पत्ता लिया है, दूसरे में 2 पत्ते, तीसरे में 3 पत्ते। संस्कृत में 3 पत्ते नहीं होता, बहुत से पत्ते होता है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, त्रिवचन कुछ नहीं होता। और हिंदी में होता है एकवचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता। इसी प्रकार से एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों दिए गए हैं। इसमें पहला है एतत् पत्रम अस्ति, यह एक पत्ता है। एते पत्रे अस्ते, ये 2 पत्ते हैं। एतानि पत्राणि सन्ति, ये बहुत से पत्ते हैं। ये ऐसे दिया गया है। इसके नीचे हम बाकी ये पंखे दिए गए हैं और दीपक दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार इनको भी भरना है। एतत् व्यंजनम व्यजनम अस्ति, यह एक पंखा है। एते व्यजने अस्ते, ये 2 पंखे हैं। एतानि व्यजनानि सन्ति, ये बहुत से पंखे हैं। एतत् दीपकम अस्ति, ये एक दीपक है, या यह दीपक है। एते दीपके सतः, ये 2 दीपक है। एतानि दीपकानि सन्ति, ये बहुत से दीपक है। ठीक, अब आगे ये गया है ततम पुस्तकम अस्ति। ठीक है, वह पुस्तक है या वह एक पुस्तक है, एक वचन में आएगा। ते पुस्तके अस्ते, वे 2 पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे बहुत सी पुस्तकें हैं। इसी प्रकार से गेंद दी गई है, गेंद को बोलते हैं कंदुकम संस्कृत में। ततत् इसी के अनुसार लिखना है, जैसे पुस्तक वाला लिखा है ना, इसी के अनुसार इनको लिखना है। ततत् कंदुकम अस्ति, वह एक बॉल है। ते कंदुके स्ते, वे 2 बॉल है। तानि कंदुकानि सन्ति, वे बहुत सी बोले हैं। इसके बाद सब शब्दे सह शब्दान मेलियम, इसका मतलब है एक जैसे शब्दों को आपस में मिलाकर लिखना है। जैसे इसमें बीच में दिया गया है, इस गोले के अंदर ग्रहम है, किरणकम फलम छत्रम नाणकम। ठीक है, ग्रहम का इनके अर्थ मैंने इनके ऊपर लिख दिए हैं। इसका अर्थ होता है घर है। किरणकम का अर्थ होता है खिलौना। फलम का अर्थ होता है फल। छत्रम का छाता है। नाणकम का सिक्का। ठीक, इसमें कुछ एकवचन दिए गए हैं, कुछ द्विवचन दिए गए हैं, कुछ बहुवचन दिए गए हैं। बीच में सब के सब एकवचन है और इनको इन्हीं शब्दों के द्विवचन और बहुवचन से मिलाना है। कुछ के द्विवचन लेफ्ट में दिया गया है, कुछ का द्विवचन राइट साइड में दिया गया है। जैसे पहला शब्द है ग्रह, मतलब घर। घर एकवचन होगा, ग्रह क्या होगा इसका द्विवचन, और बहुवचन क्या हुआ ग्रहणी। ठीक, ग्रह मतलब एक घर, ग्रह मतलब 2 घर, और ग्रहणी मतलब बहुत से घर। किरण का मतलब खिलौना, एक खिलौना है। किरण के मतलब 2 खिलौने, और बहुत से खिलौने क्या होगा किड़कन किरट नकानी। ठीक, अब फलम मतलब एक फल, और 2 फल क्या हो गए फले, और बहुत से फल क्या होगा फलानी। ठीक, छत्रम मतलब एक छाता, छत्रे मतलब 2 छाते, और छत्राणी मतलब बहुत से छाते। इसके बाद नाणकम मतलब सिक्का, एक सिक्का, नाणके 2 सिक्के, और नाणकानी बहुत से सिक्के। इस प्रकार से हम इन सभी शब्दों का आपस में मेल कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। मंजूषानी शब्दानी दृष्टवा उचित सर्वनाम शब्द से समीपे लिखत, इसका मतलब है जो बॉक्स में ये शब्द दिए गए हैं, सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनको नीचे रिक्त स्थानों में लिखना है। इसमें मैंने एतत् एता, यह वह, एते ते, ये वे, एतानि तानि, वो वे और वे। ठीक, इस प्रकार से एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को अलग अलग करके लिखेंगे। सही है, अब ये शब्द है, पहला शब्द व्यंजनम लिखा है। ठीक है, ये क्या है एकवचन है, तो इसको हम एकवचन में लिख देते हैं। व्यंजनम मतलब एक पंखा। ठीक है, फले मतलब सॉरी ऊपर से ही शब्द लेते हैं, कार्यानानी मतलब बहुत सी कार्य, बहुवचन हो गया, तो इसको बहुवचन में लिख देंगे। ग्रहणी मतलब बहुत से घर, इसको बहुवचन में लिखेंगे। दीपक मतलब एक दीपक, इसको एकवचन में लिखेंगे। फले मतलब 2 फल,
द्विवचन में लिख देते हैं। पुस्तका मतलब एक पुस्तक को एक वचन में लिखते हैं। है कंतकानी, कंतकानी का अर्थ होता है, कंतकानी का अर्थ होता है कंघे, कंघे इसको बहुवचन में लिख देते हैं। ठीक है, विमाने मतलब दो विमान बहुवचन, पत्रे मतलब दो पत्र बहुवचन, द्वारम मतलब कि एक द्वार दरवाजा एक वचन, यूथ के मतलब कमीज, सॉरी इससे पहले छतरानी, छतरानी मतलब बहुत से छाते बहुवचन हो गया, यूथ के मतलब एक दो छाते, सॉरी यूथ के मतलब कमीज, दो कमीज, ये हो गया द्विवचन। इस प्रकार से हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो मिलते हैं चतुर्थ पाठ के साथ। आप सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव।